नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallantop.com। केरल कैडर के 2012 बैच के आईएएस अफसर कन्नन गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो दादरा एवं नगर हवेली में सचिव के पद पर काम कर रहे थे, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में। जम्मू कश्मीर में उपजे राजनीतिक हालात को उन्होंने अपने इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण बताया है। गोपीनाथन ने कहा, मुझे फिर से बोलने का अधिकार चाहिए, मैं अपनी मर्जी का जीवन चाहता हूँ, एक दिन के लिए ही सही। 21 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा सौंपा था, हालांकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। एक मलयाली वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कन्नन गोपीनाथन ने अपने इस्तीफे की वजहें साझा की हैं। गोपीनाथन ने कहा, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक राज्य को बंद कर दिया और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तक किया, अगर आप पूछेंगे कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था, मेरे पास देने के लिए कम से कम एक जवाब तो होगा कि मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मैं उम्मीद के साथ सिविल सर्विस का हिस्सा बना था कि मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जिनको चुप करा दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि ये है कि मैं इस्तीफा कैसे नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि मेरे इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जब देश अशांति के दौर से गुजर रहा है, कोई मुझसे ये पूछे कि मैंने क्या किया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं छुट्टी लेकर पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। नौकरी छोड़ देना कहीं बेहतर विकल्प है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मुझे सिस्टम के सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। लोग जानते हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मैं सरकारी घर में रह रहा हूँ। अगर मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया तो मेरे पास कोई ठौर भी नहीं होगा। मेरी पत्नी के पास नौकरी है, वो मेरी मददगार है, यही बात मुझे हिम्मत देती है। द वायर से बातचीत में कन्नन गोपीनाथन ने यह भी कहा, ये ना तो यमन है और ना ही 70 का दशक चल रहा है, जहां आप लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर देंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। लगभग 20 दिनों से पूरे कश्मीर में पहरा है और हर तरह की पाबंदियां हैं, और उसे लेकर मैं चुप नहीं बैठ सकता था। फिर चाहे मुझे खुलकर बोलने के लिए अपने पद से इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े, और मैंने यही किया है। ये आईएएस अगस्त 2018 में भी चर्चा में थे। दरअसल तब केरल में भयानक बाढ़ आई थी। उस वक्त कन्नन गोपीनाथन दादरा और नगर हवेली में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर तैनात थे। केरल उनका घर है। बाढ़ की भारी आपदा को देखकर वो केरल पहुंचे। बिना किसी को पहचान बताए उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की। जब फोटो वायरल हुई तब लोगों ने कन्नन के बारे में जाना। दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन की तरफ से उन्होंने केरल के सीएम आपदा राहत फंड में भी 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। और अब 370 के बाद कश्मीर के हालात पर स्टैंड लेने पर भी ये अधिकारी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कोई उनको हीरो बता रहा है, कोई मौका परस्त। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्नन को अपने राज्य के अंदर हो रही हिंसा के बारे में भी बोलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब केरल में कम्युनिस्ट राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं करवाते हैं, तब कन्नन जैसे लोग कुछ नहीं बोलते। लोगों का कहना है कि उनका यह सिलेक्टिव विरोध नहीं चलेगा। कन्नन गोपीनाथन को सपोर्ट करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सरकार को जम्मू कश्मीर के मसले पर घेरा ही जा रहा है। उनके समर्थकों के अनुसार सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, फिर भी कन्नन गोपीनाथन जैसे अफसरों का बोलना उम्मीद की रोशनी को तेज करता है। खबर यह भी है कि कन्नन प्रशासन के रवैये से भी परेशान चल रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि बड़े अधिकारी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें सिलवासा के कलेक्टर के पद से हटाकर कम रुतबे वाला विभाग दे दिया गया। कश्मीर पर हुए हालिया फैसले के पहले यूपीएससी टॉपर शाह फैसल ने भी कश्मीर में बिगड़े हालातों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। अधिकारी से नेता बने शाह फैसल जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का भी जमकर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो विदेश जाने की तैयारी में थे। उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर वापस श्रीनगर भेज दिया गया था। फिलहाल वो अपने घर में नजरबंद हैं। इस तरह से अधिकारियों का नौकरी छोड़ना सोचने वाला विषय तो है ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इन आईएएस के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।